इसमें सबसे पहले एक टॉपिक होता है कि व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है, वहां से शुरू होता है कि व्हाट इज इकोनॉमी। तो बेसिकली इकोनॉमी जो होता है उसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें एक काम करने का अवसर देता है, जो हमें मींस टू वर्क प्रोवाइड करता है और जिसकी मदद से हम अपने लिए कुछ लिविंग अर्न करते हैं, ऐसे सिस्टम को इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट होता है कि व्हाट इज इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो हमें काम करने का एक मींस प्रोवाइड करता है और हम उससे अपनी अर्निंग भी, अपनी लिविंग भी अर्न कर सकते हैं, तो दैट सिस्टम इज नोन एज इकोनॉमी। फिर किताबों में बच्चों को ये सिखाते हैं कि इकोनॉमी जो है वो ओपन इकोनॉमी भी हो सकती है और इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी भी हो सकती है। इसका मतलब ये होता है, ओपन इकोनॉमी उसको बोलते हैं जिसमें हम किसी भी दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस रखते हैं, हम किसी भी कंट्री को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं किसी के साथ, तो ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं कि वी आर अ ओपन इकोनॉमी, हम ओपन इकोनॉमी हैं। लेकिन अगर हम किसी भी और इकोनॉमी के साथ कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रखते, हम बस अपने ही अंदर खरीदते हैं, बेचते हैं और अपने ही अंदर काम करते हैं, तो ऐसी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो थ्योरेटिकली दो तरह की इकोनॉमी ऐसे बोल देते हैं कि एक इकोनॉमी ओपन होती है और एक इकोनॉमी क्लोज्ड होती है। हालांकि क्लोज्ड इकोनॉमी पूरी दुनिया में नहीं होती, जैसा आप सभी बच्चे जानते हो आजकल तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी सिर्फ किताबों में रह गई है, तो आजकल की दुनिया में तो सारी की सारी इकोनॉमीज जो हैं वो ओपन इकोनॉमीज ही होती हैं। फिर इकोनॉमी को देखा जाता है दूसरे नज़रिए से भी, जो आपने बहुत पहले जब आप छोटे हुआ करते थे तब पढ़ते थे, एक को बोलते थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक को बोलते थे सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक तो बल्कि दोनों का मिक्सचर होते हैं जिनको बोलते थे मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों के गुण होते हैं थोड़े थोड़े। तो इकोनॉमी को कुछ लोग इस नज़रिए से भी देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है या इकोनॉमी सोशलिस्ट है या फिर जिसमें दोनों के मिक्सचर होता है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बस हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए क्या बेसिक चीज़ होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी पावर्स होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, वो सब के सब प्राइवेट फर्म्स ओन करते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसको बोला जाता है जहाँ पे पूरे देश के जो रिसोर्सेज हैं या जो मेन पावर्स हैं वो किसी भी बड़े प्राइवेट फर्म्स के पास होते हैं, और इन लोगों का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें सारी पावर्स ज़्यादातर प्राइवेट फर्म्स के पास होती हैं और जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। इसके विपरीत सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें जो मेन पावर्स और सारी चीज़ें जो होती हैं वो गवर्नमेंट के पास होती हैं या किसी सेंट्रल पावर के पास होती है, जिसको गवर्नमेंट बोल देते हैं। तो यहाँ पर सारे डिसीजन, सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में बोला जाता है हाँ कि इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो सोशल वेलफेयर है, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। तो इस तरह से बेसिक डिफरेंस जो है वो हम पढ़ते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है या सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, ठीक है। तो चैप्टर वन जब हमारा शुरू होता है तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ों से शुरू होता है कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं, उनके नेचर्स क्या होते हैं। फिर चैप्टर जब आगे बढ़ता है तो चैप्टर अल्टीमेटली ये बोलता है, ये पूछता है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या होती है, तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्वेश्चन ये पूछता है। वहाँ से शुरू होता है चैप्टर हमारा और आगे कि हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है, जिसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, कि व्हाट इज़ अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट भी रहता है सोशल वेलफेयर भी रहता है। जैसे हमारे भारतीय इकनॉमी है तो हमारी जो इंडिया की इकनॉमी है उसमें थोड़े थोड़े प्राइवेट फर्म्स भी हैं जिनका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, और हमारे भारतीय इकनॉमी में गवर्नमेंट भी होती है जिनका मोटिव है सोशल वेलफेयर करना। तो मिक्स्ड इकनॉमी जो होती है उसमें दोनों के थोड़े थोड़े फीचर्स के गुण होते हैं।
ऑल्दो ये हमारे 12th के सिलेबस में इतना रेलिवेंट नहीं है, तो इसलिए इन पे ज़्यादा हमने को फोकस नहीं करना। हाँ, तो मेन जो चीज़ है, मेन जो टॉपिक है वो ये कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हर इकोनॉमी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी है, US इकोनॉमी है, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग इकोनॉमी है, तो सबसे बड़ी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, वो पता होनी चाहिए कि क्या है। तो क्या है सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो आप चले गए, हाँ आप तो चले गए रीजंस पे, पहले प्रॉब्लम मैं पूछ रहा हूँ कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, सप्लाई एंड डिमांड भी नहीं है, वो कुछ और है जो आप बोल रहे हो, नहीं नहीं वो है जो आप रीजन बता रहे हो, तो मैं लिखता हूँ प्रॉब्लम का नाम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम का नाम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसको बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हाँ, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस पे मैं अभी दोबारा से आऊँगा, दोबारा से इसको डिटेल में समझेंगे, पर हमें क्वेश्चन अगर आएगा तो अपने को वन नंबर में आंसर पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो हमें आंसर में लिखना है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो होती है, इस प्रॉब्लम के होने के पीछे तीन रीजंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, उसके पीछे तीन रीजंस होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूं पहले, फिर यहां पे फिट करूंगा। जैसे आप बच्चों के भी जीवन में ये प्रॉब्लम आती है, डेली रूटीन की बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, चॉइस की प्रॉब्लम, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आप समझ पाओ। मैं आपको एक 2000 रुपए का नोट देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको एक 2000 रुपए का नोट दे दिया, मैंने कहा ये लो बच्चों, मेरी तरफ से आप 2000 रुपए रखो। आपने ले लिया। अब जैसे ही आपको भी 2000 मिलेंगे, आपको भी 2000 मिलेंगे, अलग अलग बच्चे को जब मैं 2000 का नोट दूंगा, तो आप इस 2000 के नोट को खर्च करने के लिए, इसको खर्च करने के लिए अपनी एक लिस्ट तैयार कर सकते हो, या हो सकता है आपके माइंड में ऑलरेडी कुछ बातें हो कि हाँ आज मुझे जब पैसे मिलेंगे तो मैं सबसे पहले ये चीज़ मोमोज खाऊंगा, उसके बाद मैं टी शर्ट खरीदूंगा, उसके बाद मैं जूते खरीदूंगा, या और इस तरह की आपके मन में कुछ लिस्ट हो सकती है जो आप सोच रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या आप 2000 रुपयों के अंदर अपनी वो विश लिस्ट जो होती है, क्या वो पूरी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या समस्या आएगी? क्या खरीदे? वेरी गुड, चॉइस बोलते हैं उसको। तो जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप शूज खरीद लो, या फिर आप इसमें टी शर्ट खरीद लो, मान लो इस तरह का ऑप्शन आया, तो दोनों नहीं खरीद सकते, क्योंकि शूज जो है वो है 1999 के, और टी शर्ट जो है वो भी है 1999 की, तो हम दोनों तो नहीं खरीद सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा। तो चॉइस प्रॉब्लम के पीछे एक सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये रीज़न होता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे आपकी, मैंने इनकम जो है वो लिमिटेड दे रखी है आपको, मैंने सिर्फ कितने रुपये दे रखे हैं, ओनली 2000, तो आपको अपनी जो अपनी विश है वो सिर्फ 2000 रुपी में फुलफिल करनी है। तो इसी तरह बच्चों, इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम जो होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि इकोनॉमी के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है। दूसरा कारण, आपको पता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आई है? क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत सारी हैं, ये देख रहे हो आपकी विश लिस्ट, आपको मोमोज भी खाने हैं, आपको जूते भी खरीदने हैं, आपको टी शर्ट भी खरीदनी है, आपको पार्टी पे भी जाना है, मूवी भी देखनी है। यही 2000 रुपए अगर मैं किसी साधु को दे दूं, ठीक है, अब उसकी विश लिस्ट कुछ नहीं होती ना, साधु मतलब कि जिसने दीन दुनिया त्याग दी, उसकी कोई विश लिस्ट नहीं है, उसको ये सब चीजें नहीं चाहिए, तो उसको समस्या नहीं आएगी। वो आप उसको 2000 रुपए दोगे, वो हो सकता है अपना मंदिर में जाके दान पेटी में डाल देगा, उसको कोई चॉइस की समस्या ही नहीं होगी। क्यों समस्या नहीं होगी? क्योंकि उसकी इच्छाएं नहीं है ज्यादा कुछ, वो सारी दीन दुनिया त्याग चुका है। लेकिन आपको चॉइस की समस्या इसलिए हुई क्योंकि आपकी बहुत सारी विश लिस्ट है। इसका मतलब, समस्या का दूसरा कारण ये है कि हमारी, यानी कि ह्यूमंस की
अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, मतलब अनगिनत इच्छाएं होती हैं, तो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से अपने आप को आप रिलेट करके देखो, ये आपकी बिल्कुल डे टू डे में प्रॉब्लम बता रहा हूं, ये रोज होता है, ट्यूशन आने से पहले भी होता होगा, आपको लगता होगा आज बंक कर लें या चलो नहीं चले जाते हैं छोड़ो, तो ये आप चॉइस करते हो ना कि नहीं आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आज चले जाते हैं, किसी दिन आप सोचते हो नहीं आज तो मस्ती का मन ज्यादा आज बंक मार लेते हैं, तो यू आर मेकिंग चॉइसेस ऑन अ डेली बेसिस, तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। तीसरा कारण, तीसरा रीजन क्या है वो पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। तीसरा रीजन है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब इसका मतलब यह है कि आपको मैंने 2000 का नोट दिया, गुलाबी रंग का, पिंक से रंग का, गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है, तो आप उस नोट को अलग अलग जगह पे खर्च कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको चॉइसेस की समस्या आई। मैं इसका एक दूसरा ऑप्शन देता हूं, अगर मैं आपको 2000 रुपए का शॉपर स्टॉप का एक वाउचर दे दूं तो फिर आपको चॉइस की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये आप 2000 के नोट की तरह अलग 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 जगह पे तो नहीं लेके जा सकते, आप इसको सीधा कहां पर ही लेकर जाओगे, शॉपर स्टॉप में ही लेकर जाओगे। तो जब हमारे रिसोर्सेज के अलग अलग इस्तेमाल करने के यूजेस होते हैं तब हमें ये चॉइस की दिक्कत आती है। तो जब मैं आपको 2000 का नोट दूंगा तब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं जूते खरीदूं या मैं टी शर्ट खरीदूं या मैं खाने का आइटम खरीदूं या मैं कुछ और खरीदूं। लेकिन अगर यही मैं आपको कोई शॉपर स्टॉप का शूज का वाउचर दूंगा तो आपको कोई चॉइस की समस्या ही नहीं है, आपको पता है मुझे शॉपर स्टॉप के जूते ही खरीदने इस वाउचर में लिखा हुआ है। तो इसीलिए तीसरा जो रीजन है समस्या के पीछे वो है कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, वन नंबर में ये हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर थ्री रीजंस बिहाइंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री रिसोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस। क्लियर हो गया इतना कहानी, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं, जब हम ये पढ़ लेते हैं फिर इसके बाद हमें सिखाया जाता है कि हर इकोनॉमी में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हर इकोनॉमी में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिनको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इसको मैं एक बड़े फनी और बड़े अच्छे रिलेटेबल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, और फिर आपको बात समझ भी आ जाएगी, बच्चे रट लेते हैं, बट रटना तो है बाद में। अब मुझे उम्मीद है कि पता तो आप सभी को होगा कि तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन सी, हाँ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हूम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो एक बड़े मज़ेदार एग्जांपल से बातें समझाऊंगा जो इससे लिंक करेंगी, और फिर इसका अल्टीमेट आपको बात मतलब भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो घर में मदर का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल है तो हर बच्चा रिलेट कर पाएगा। और ये मदर जो हमारी घर पर रहती हैं, और ये मदर की मैंने किचन बना दी, ठीक है ना। तो ऐसा मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल के अनुसार कि किचन में कुछ जो सामान रखा होता है, शुगर रखा है या जो आइटम्स रखे हैं उन्हें मान लेते हैं वो हमारे मम्मी के, मदर के रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड है, ठीक है ना। क्योंकि किचन में अगर एक कुछ पर्टिकुलर सामान रखा है तो ऐसा मान रहे हैं हम कि वो लिमिटेड है। अब सबसे पहले क्या होता है, जब आप स्कूल से थके हारे दिन में पसीने से लथपथ घर पहुँचते हो तो मदर को एक समस्या से जूझना पड़ता है। मदर ये सोचती हैं आपकी कि मैं अपने बेटे के लिए, वो गर्मी में बेचारा धूप में स्कूल से आया है, उसको मैं मैंगो शेक पिलाऊं या मैं उसको लस्सी पिलाऊं या मैं उसको लाइम सोडा पिलाऊं, क्योंकि बच्चा धूप में थका हारा आया है स्कूल से घर। तो हर मदर को लगता है कि भाई हम अपने बच्चे को कुछ पिलाएं, कुछ पीने की चीज़ बनाएं।
तो सबसे पहली समस्या जो मदर को आती है वो ये आती है कि मैं आज अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए क्या बना के पिलाऊं, क्योंकि वो धूप में आ रहा है। तो ये समस्या जो है कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका मतलब ये है कि जैसे मदर को ये समस्या आती है कि हम अपने बच्चे के लिए क्या बनाएं, इसी प्रकार इस प्रॉब्लम को इकोनॉमी में लेकर आते हैं। इकोनॉमी भी यही सोचती है, इकोनॉमी के लिए हम सब बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इकोनॉमी भी यही सोचती है कि हम अपने बच्चों के लिए कंज्यूमर गुड्स बनाएं, या हम अपने बच्चों के लिए कैपिटल गुड्स बनाएं, या हम अपने बच्चों के लिए डिफेंस गुड्स बनाएं। तो जैसे मदर को समस्या आ रही है वहाँ पे कि मैं अपने बच्चे के लिए मैंगो शेक बनाऊं, या लस्सी बनाऊं, या लेमन सोडा बनाऊं, इसी प्रकार इकोनॉमी को ये समस्या आ रही है कि वो कंज्यूमर गुड बनाए, या कैपिटल गुड बनाए, या डिफेंस गुड बनाए। पहले इतनी बात समझ आ गई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तो आप मुझे उम्मीद है सही आंसर दोगे। बताओ इकोनॉमी में तीनों ही तरह के गुड्स क्यों नहीं बन पा रहे, या मम्मी तीनों ही चीजें क्यों नहीं बना पा रहे? वेरी गुड, क्योंकि किचन में लिमिटेड रिसोर्सेज है, तीनों चीजें बन नहीं सकती, ठीक है ना। ऐसा मान लेते हैं हम, शुगर जो है वो लिमिटेड है, सॉल्ट या मैंगो लिमिटेड है, तीनों चीजें बन नहीं सकती, कर्ड लिमिटेड है। तो इसी प्रकार इकोनॉमी में भी सारे गुड्स नहीं बन सकते, ठीक है। तो मम्मी बताओ, मम्मी डिसीजन मेकिंग कैसे करती होंगी, आपको क्या पिलाया जाए, इस बात का फैसला कैसे हो? डिमांड तो हम करते हैं, डिमांड तो बच्चा करता है, तो बच्चा तो अभी स्कूल से आया नहीं है, वो तो स्कूल में है अभी। अब मम्मी सोच रही है, हाँ वेरी गुड, वेरी वेरी, वहां से आ गया आंसर। इजी नहीं, देखो माँ ये नहीं सोचते, तुम लोग गलत माँ के प्यार को नहीं समझ रहे, ये कह रहे हो जो सबसे ज्यादा इजी हो, नहीं ये तो गलत है। मम्मी ये नहीं थोड़ी ना देखेंगी जो इजी है, मम्मी ये देखेंगी जो इन्होंने बोला कि बच्चे को, मेरे बच्चे को सबसे ज्यादा पसंद क्या है। माँ जो है वो माँ किस बेसिस पे डिसीजन लेती है कि मेरे बच्चे को तीनों में से वैसे सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, मैं इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देता हूँ, सेटिस्फैक्शन एक तरह से, ठीक है ना। आपको वही चीज पसंद होगी जिसको पीने के बाद आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। अब देखना लिंक, तो जिस प्रकार मदर अपने बच्चे की सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखती है, इसी प्रकार इकोनॉमी पता है कैसे डिसाइड करती है कि कितने गुड्स बनाए। इकोनॉमी भी वही गुड्स बनाती है, या वही कॉम्बिनेशन बनाती है जिसमें हम बच्चों को, यानी इकोनॉमी को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जैसे मम्मी हमारी, हमारी पसंद के अनुसार, हमारे सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रख के कोई चीज बनाती है, उसी तरह इकोनॉमी भी ये ध्यान में रखती है कि देश की जनता को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, और वही गुड्स बनाती है। पहले इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो मान लेते हैं कि आपकी मदर ने आपकी पसंद को ध्यान में रख के कौन सा गुड सेलेक्ट कर लिया, मैंगो शेक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं जी प्रॉब्लम नंबर टू पे। अब आपकी मदर सोच रही हैं, या आपकी मदर के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आपकी मदर मैंगो शेक बनाने के लिए एक मिक्सर का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएंगी, ठीक है। मैंगो भी डाला अपने आप हो गया, मिल्क भी डाला, शुगर भी डाला, सब कुछ करा अपने आप मिक्सर में, मैंगो शेक बन के तैयार हो गया। या फिर हो सकता है उस समय लाइट ना हो, या कुछ और दिक्कत हो, या माँ को लगे कि आज तो मैं अपने बेटे को अपने हाथों से ही बना के मैंगो शेक पिलाऊंगी अच्छे से खुद से, तो उस केस में मदर ने मिक्सर का इस्तेमाल नहीं करा और मम्मी बना रही हैं मैंगो शेक अपने ही हाथों से बना रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी एक चीज़ को बनाने के लिए दो रास्ते होते हैं, या तो हम मशीनों का सहारा लेते हैं, या फिर हम मशीनों का सहारा नहीं लेते, ठीक है। इन टेक्निक्स को बोलते हैं, इसी तरह इकोनॉमी में इन्हें बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब जिनमें हम मशीन्स का सहारा लेते हैं, और या फिर एग्जैक्टली लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें हम लेबर, या जिसको मजदूर कह लो, उसका सहारा लेते हैं, मतलब हैंड। तो इकोनॉमी में भी दूसरी समस्या ये आती है कि हमने गुड्स तो डिसाइड कर लिए, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि कौन सा गुड बनाएं, पर हाउ टू प्रोड्यूस, हम उस गुड को कैसे बनाएंगे,
तो एक बार मुझे बताओ दो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर? अब बताओ मदर दोनों में से कौन सी टेक्निक अपनाएंगी? हाँ, इकोनॉमी के हिसाब से बता दो जिसके रिसोर्सेज ज्यादा हों। ठीक है, मतलब अगर हमारी इकोनॉमी में मशीन्स ज्यादा हैं तो हम मशीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमारी इकोनॉमी में लेबर ज्यादा है तो हम लेबर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कह रही हैं वो, जो काफी हद तक बिल्कुल सही भी है, बिल्कुल सही भी है। हाँ, चीप इसलिए होता है क्योंकि अबंडेंट है, तो वो उसी का एक आगे का पॉइंट है। तो जो आपने कहा कि अगर हमारी इकोनॉमी में मशीन सस्ती है, चीप है, तो हम ये ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारी इकोनॉमी में लेबर चीप है, सस्ते हैं, तो हम लेबर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट लिखवाऊंगा ब्रीफ में। बेसिकली जो सस्ता वर्ड आपने बोला, जो चीप वर्ड बोला, बस उसी को लिखना है। जो भी टेक्निक कॉस्ट एफिशिएंट होती है, कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब है कि जिसमें हमारा खर्चा कम आए, तो इकोनॉमी वही टेक्निक इस्तेमाल करती है जो कॉस्ट एफिशिएंट होती है। तो जो आपने बोला और जो आपने बोला वही, उसी बात को मैंने ब्रीफ में लिखा कि इकोनॉमी कैसे डिसाइड करती है कि जो टेक्निक सबसे कॉस्ट एफिशिएंट है उस टेक्निक को सेलेक्ट करती है। इसी तरह मम्मी भी घर का ध्यान रखती हैं, तो मम्मी को पता है कि अगर मैं बाय हैंड करूंगी तो शायद कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तो वो मिक्सर का इस्तेमाल नहीं करती और बाय हैंड बना लेती, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर पहले? चलो अब सबसे बड़ी समस्या। अब मम्मी के तीन बेटे आ रहे हैं स्कूल से, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, मम्मी के तीन बच्चे हैं। ये सबसे बड़ा भाई ए, ये मंझला बी, और ये सबसे छोटा सी। रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, तो मैंगो शेक एक ही बनेगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमने पहले ही तय कर लिया था। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैंगो शेक बन गया, ये भी सिलेक्ट कर लिया, मैंगो शेक बाय हैंड बनेगा, ये भी सिलेक्ट हो गया, तो मैंगो शेक बनके तो हो गया है तैयार। हाँ, अब समस्या सबसे मेन है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम मैंगो शेक दिया किसको जाएगा, जिसको सबसे ज्यादा नीड होगी। तो तीनों ही थके हैं, तीनों कह रहे हैं मम्मी मुझे चाहिए, मैं तो बहुत थका हुआ हूं, तीनों कह रहे हैं मुझे नीड है, नीड तो तीनों को है, इक्वली देंगे, तो ये कह रहे हैं कि तीनों को इक्वली दे दें। ठीक है, तो ये मैं नोट कर लेता हूँ, इन्होंने बोला कि तीनों बच्चों को फिर हम इक्वली दे देंगे। और कोई बच्चा अपनी इस पर राय देना चाहता है कि मैंगो शेक किस बच्चे को मिलेगा? नहीं, वो तो मम्मी ने शुरू में डिसाइड कर लिया ना, वो तो जब लस्सी और लेमन सोडा कट गया इसका मतलब बच्चों को मैंगो शेक पसंद है, वो तो शुरू में होगी बात, हम स्टेज वन और स्टेज टू से तो पास हो गए। नीट तो तीनों का, वो तो तीनों थके हुए हैं और तीनों को फुल भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तीनों को फुल नींद है। यही तो ट्रेजेडी है ना इकोनॉमी में भी, नीड सबको है, यही तो इकोनॉमी के साथ भी दिक्कत आती है ना, नीड हम सबको है लेकिन इकोनॉमी हम सबकी नीड्स फुलफिल नहीं कर सकती, क्योंकि इकोनॉमी में भी क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो जैसे मम्मी तीन ग्लास मैंगो शेक नहीं बना सकती क्योंकि किचन में रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो अब किस बच्चे को मिलेगा मैंगो शेक? तो मैं, आपने कहा इक्वली बांट दो, तो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मम्मी कहती है कि बेटा बाजार से ना धनिया ले आओ जरा, ठीक है, मम्मी कहती है बेटा बाजार से धनिया लेकर आना है। तो बड़ा बेटा कहता है मम्मी मैं तो नहीं जा रहा, बेकार की बातें मत करो, छोटे को बोलो। फिर ये बीच वाला भाई आता है, ये कहता है मम्मी मुझे तो बहुत होमवर्क करना है, प्लीज देखो मेरे से उल्टी सीधी बातें मत करो, ठीक है, मैं धनिया वनिया नहीं लाऊंगा। छोटे ने कहा हाँ हाँ मम्मी मैं जा रहा हूँ, फटाफट बाजार गया और मम्मी के लिए फटाफट भाग के धनिया लेकर आ गया। ठीक है, ये तीनों बच्चों की स्टोरी सुनाई मैंने आपको। ठीक है, अब बताओ मैंगो शेक किसे मिलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, किसे मिलेगा मैंगो शेक? अब सी को मिलेगा, वेरी गुड, अब आप सही पकड़ गए लिंक। इसका मतलब मेरी स्टोरी में मम्मी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किसने करा था? सी ने, तो इसलिए मैंगो शेक भी किसको मिला? सी को। अब आते हैं इकोनॉमी पे। इसी प्रकार जो हम गुड्स बनाते हैं इकोनॉमी में, जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं इकोनॉमी में, उसमें जनरली ये डिसाइड करा जाता है कि ये प्रोडक्ट्स
रिच सेक्शन के लिए बनाया जाए या पुअर सेक्शन के लिए बनाया जाए। जैसे हमारे घर में तो एबीसी लिख दिया, लेकिन इकोनॉमी में दो तरह के बच्चे माने जाते हैं, एक रिच और पुअर। तो जैसे आपने मुझे कहा कि सर क्योंकि छोटा भाई सी, उसने मम्मी के काम में कॉन्ट्रीब्यूशन करा तो मैंगो शेक सी को मिलना चाहिए, इसी प्रकार बताओ इकोनॉमी कैसे डिसाइड करती होगी? जो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो उसको उतना ही डब्बे बना के देते हैं। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि जो हमारा आउटपुट है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मान लो 10 डब्बे बनाता हूँ, आउटपुट में 10 डब्बे बनाए, और मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चों कॉन्ट्रीब्यूशन रिच लोगों का 70% है और पुअर लोगों का 30% है, तो आप किसको कितने डब्बे दोगे बताओ? हाँ, वेरी गुड, आप रिच को 7 दोगे और पुअर को 3 दोगे। इसका मतलब आपने आउटपुट का बंटवारा किस बेसिस पर करा? अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। बस तो इसी बात का इस प्रॉब्लम में ध्यान रखना है कि आउटपुट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। वो तो होता ही, बिल्कुल सही, और वही तो हमारी ट्रेजेडी है ना कि रिच रिचर होता रहता है और पुअर पुअर होता है, तो वो इसीलिए इनइक्वालिटी बढ़ती है। चलो तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम समझ आ गई तीनों, विद मीनिंग और विद उनका मेन सॉल्यूशन की डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। तो इसको बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, इसको बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, उसको बोलते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्लियर होगी तीनों चीजें? यहां तक कोई डाउट? पहले यहां तक क्लियर हो गया? फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या होता है? इसमें कुछ बातें ना हम पहले एज्यूम करते हैं। एज्यूम का मतलब होता है हम कुछ चीजें मान लेते हैं कि ऐसी होती हैं, अजम्पशंस मान लेते हैं, ठीक है ना? जैसे क्या, ऐसी मैं लिख रहा हूं बस आप सुनते रहना। हम ये अजम्पशन मानते हैं कि इकोनॉमी में हमारे देश में सिर्फ दो गुड्स बन रहे हैं, पहली चीज तो ये। तो बताओ ये भी कोई अजम्पशन है? ये भी कोई रियलिटी है? मतलब कोई दूर दूर तक इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी इकोनॉमी में तो करोड़ों गुड्स बनते हैं, लेकिन हम क्या अजम्पशन मान रहे हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ दो गुड्स बनेंगे। दूसरा, हम ये मानते हैं, अजम्पशन ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज नहीं होगी। बताओ ये तो कितना बड़ा, मतलब हम झूठ मान रहे हैं। यहाँ रोज नए नए मोबाइल्स लॉन्च हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और हम ये मान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, लेकिन अजम्पशंस है, ठीक है ना? तो हमें कोई दिक्कत नहीं मानने में। तीसरा, ये मानते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं हमारे, या जैसे उनको कह लो लेबर कह लो, आर नॉट इक्वली एफिशिएंट ये थोड़ा रियलिटी से मैच करता है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, तो ये मैं समझा देता हूं क्योंकि ये वाकई में रियलिटी से मैच करता है और ये इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। जैसे आप में से एक बच्चा हो सकता है वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हो, वो क्योंकि पिछले 10-12 साल से फुटबॉल खेलता है तो बहुत अच्छा प्लेयर है वो फुटबॉल का। अब उस बच्चे को मैंने अचानक से बोला कि चलो भाई कल बास्केटबॉल का टूर्नामेंट है और मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, ठीक है, उसी बच्चे को, तो क्या वो बच्चा जो फुटबॉल इतनी एफिशिएंटली खेलता था और बहुत अच्छा प्लेयर था फुटबॉल का, क्या वो उतनी ही एफिशिएंटली बास्केटबॉल भी खेल लेगा या उतना अच्छा प्लेयर होगा? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। तो ये बात यहाँ पर ऐसे बताई गई है कि रिसोर्सेज या लेबर जो होते हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। इक्वली एफिशिएंट का मतलब है कि अगर एक लेबर जो है उसका नाम है राम और एक लेबर मान लो उसका नाम है मोहन,
तो जितनी फुर्ती से राम काम करता होगा, हो सकता है मोहन उतनी फुर्ती से ना करे. मतलब लेबर्स जो हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, है ना. तो ये रियलिटी में भी होता है ना. मैं एक क्वेश्चन आधे घंटे में करूँगा, आप वही क्वेश्चन 10 मिनट में कर लोगे, तो हम इक्वली एफिशिएंट नहीं है इसका मतलब. ये बातें क्लियर हो गई. अब क्योंकि हम दो ही गुड्स मान रहे हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स बन रहे हैं, तो मैं उन दो गुड्स का नाम लिख लेता हूँ, वीट और राइस, अपना मनगढ़ंत ऐसी कुछ भी, गुड एक्स और गुड वाई, ऐसी लिख रहा हूँ अपने मन से कि हमारी इकोनॉमी में कितने गुड्स बन रहे हैं. मान लेते हैं सिर्फ दो गुड्स बन रहे हैं, वीट और राइस. ठीक है, अब सब बच्चों को ध्यान से समझना, एक समस्या समझनी है. ऑलरेडी वैसे आप समझ चुके हो, या वीट राइस छोड़ो, ये मम्मी की समस्या बना देता हूँ, उससे आप लिंक करोगे. मम्मी घर में सोच रही है बच्चे आने वाले हैं मैं क्या बनाऊँ. मम्मी ने दो ऑप्शन निकाल के सोच लिए कि घर में बच्चे आने वाले हैं क्या बनाएं. तो मम्मी कॉम्बिनेशन सोच रही कि मेरे तीन बच्चे आने वाले हैं घर, मैं क्या बनाऊं. तो मम्मी ने सोचा कि एक काम करती हूँ, एक बर्गर बना लेती हूँ और 10 पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, तो हम चारों जनों का काम हो जाएगा. बच्चे भी आने वाले हैं, मैं भी खा लूँगी, तो मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, मेरी किचन में इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं उन रिसोर्सेज से एक बर्गर बना लूंगी और 10 पिज़्ज़ा बना लूंगी. फिर मम्मी ने सोचा कि नहीं, अच्छा ऐसे थोड़ा बच्चों को पता चला बर्गर पसंद आने लगा, थोड़ा एक काम करती हूँ, मैं अपने रिसोर्सेज से बर्गर 2 बना लेती हूँ. तो जब मम्मी बर्गर की क्वांटिटी बढ़ाना चाहेंगी तो सेम रिसोर्सेज में पिज़्ज़ा की क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी. बात समझ में आ रही है. तो पिज़्ज़ा की क्वांटिटी जो है वो मान लो फिर हो गई 8 हो गई. तो इसका मतलब मम्मी जो है अगर बर्गर की क्वांटिटी बढ़ा रही है तो पिज्जा की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि रिसोर्सेज तो सेम है. फिर मम्मी ने एक और कॉम्बिनेशन सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ 3 बर्गर बना लेती हूँ. तो अगर रिसोर्सेज से 3 बर्गर बनने शुरू हो जाएंगे तो पिज्जा की क्वांटिटी और कम हो जाएगी. तो मान लो पिज्जा की क्वांटिटी हो गई 5, तो ये भी मम्मी ने एक कॉम्बिनेशन बनाया. और मम्मी ने सोचा चलो मैं एक और कॉम्बिनेशन बना के देखती हूँ कि अगर मैं 4 बर्गर बनाती हूँ तो फिर पिज्जा की क्वांटिटी और कम हो जाएगी, फिर मान लो पिज्जा बन रहा है 1. तो इस तरह से मम्मी ने कुछ अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अनुसार कॉम्बिनेशंस बनाए, 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए, 1 और 10, 2 और 8, 3 और 5, 4 और 1. ठीक है, अब सिर्फ देखते रहना. फिर मम्मी को मन करा चलो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ और क्यों ना मैं इन कॉम्बिनेशंस का एक डायग्राम बनाऊं. एक्स एक्सिस पर लिख लिया बर्गर 1, 2, 3, 4 और वाई एक्सिस पर लिख लिया पिज्जा 2, 4, 6, 8, 10. तो मम्मी ने सोचा कि ये जो मेरे अलग अलग 4 कॉम्बिनेशंस हैं, चलो मैं इनकी प्लॉटिंग करती हूँ. आपको होमवर्क करवाती थी ना मम्मी बचपन में, तो मम्मी भी सीख दी कैसे प्लॉटिंग करते हैं. तो मम्मी ने भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचा और इन कॉम्बिनेशंस की प्लॉटिंग कर रहे हैं. तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, जरूरी नहीं एग्जैक्ट मैच हो, अपने मन से ऐसे ही कुछ भी कर रहा हूँ. ठीक है, कुछ इस तरह की प्लॉटिंग बन गई. तो मम्मी ने कहा हाँ प्लॉटिंग तो मेरी बन गई, 1, 10, फिर 2, 8, फिर 3, 5, फिर 4, 1. तो मम्मी ने कहा चलो मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ. तो एक कर्व बन गया. तो इकोनॉमी में इस कर्व को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ भी नहीं होता, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस. तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. पहले इत समझ आ गया. अच्छा, अब जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाता है तो इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, 3 बातें. ठीक है, तो आप शायद आप बच्चों को पता होगा, मैं इस पे एक पॉइंट बना रहा हूं ऑन द पीपीसी, एक पॉइंट बना रहा हूं इनसाइड द पीपीसी, हाँ, और एक पॉइंट बनाऊंगा मैं कहीं आउटसाइड द पीपीसी. तो ये बातें कुछ डिनोट करती हैं, ये पॉइंट्स कुछ हमें कहना चाहते हैं, कुछ हमें बताना चाहते हैं. जो पॉइंट ऑन द पीपीसी होता है ये हमें कहता है कि वी आर फुली यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज. तो इसको इसीलिए बोल देते हैं फुल यूटिलाइजेशन. जो पॉइंट फिर पीपीसी के इनसाइड में होता है
हाँ वो इनएफिशिएंट या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें बता रहा होता है. और जो पॉइंट तो पीपीसी के बाहर होता है उसे बोलते हैं अनअटेनेबल. अनअटेनेबल का मतलब कि मम्मी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन सोच रही है जो बन ही नहीं सकता. मम्मी सोच रही थी कि मैं 4 बर्गर बना दूंगी और 8 पिज्जा बना दूंगी, तो ऐसा तो रिसोर्सेज में बन ही नहीं सकता था क्योंकि इतने रिसोर्सेज है नहीं. तो इसीलिए इस पॉइंट को कह देते हैं अनअटेनेबल. ठीक है, पहले इतनी बातें क्लियर हो गई. ये क्लियर? तो पीपीसी के 3 पॉइंट्स में मुझे बताओ जो ऑन द पीपीसी है उसको क्या बोलेंगे? फुल यूटिलाइजेशन. जो इनसाइड द पीपीसी है वो अंडर यूटिलाइजेशन, और अगर कोई बाहर है तो अनअटेनेबल, वो अभी हमारे पहुंच से बाहर है. पहले इतना क्लियर हो गया. अब कोई बच्चा गौर करे और ये देखे कि जब मैं बर्गर की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा था तो 1-1-1 करके इंक्रीज कर रहा था, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4. लेकिन जब मैंने पिज्जा की गिरावट करी तो पिज्जा की गिरावट पहले 2 हुई, फिर 3 हुई और फिर 4 हुई, क्योंकि पहले 10 पिज्जा से 8 हुए यानी 2 की गिरावट, फिर 8 से 5 हुए तो यानी 3 की गिरावट, और फिर 5 से 1 हुए यानी 4 की गिरावट. ठीक है, तो इसको बोलते हैं, गिरावट को अंग्रेजी में कह देते हैं सैक्रिफाइस, और जो हम एडिशनल बना रहे हैं इसको प्रोड्यूस्ड बोल देते हैं या गेंड बोल देते हैं. ठीक है, तो बड़े बड़े विद्वार्थी मतलब इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री वो ये कहते हैं कि अगर हम इस गिरावट का और इस प्रोड्यूस्ड का एक रेशियो निकालें तो 2:1 क्या रेशियो बन गया? 2. 3:1 क्या रेशियो बन गया? 3. 4:1 क्या रेशियो बन गया? 4. इसका एक रेशियो निकालते हैं वो, तो दैट रेशियो इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इसको बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या इसका दूसरा नाम होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो हम क्या करते हैं, हम गिरावट को रेशियो बना लेते हैं, गिरावट इज टू जितना हमने प्रोड्यूस करा, तो इस रेशियो को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. और सबसे मजेदार पॉइंट आपके लिए, तो सबसे मजेदार पॉइंट पीपीसी के केस में ये जो रेशियो के आंसर निकलते हैं ये हमेशा इंक्रीजिंग क्रम में ही होंगे, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग MOC या इंक्रीजिंग MRT. ये जो रेशियो के आंसर निकलेंगे 2, 3, 4 ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में ही निकलेंगे पीपीसी के केस में, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग MOC. तो सैक्रिफाइस जो हो रहा होगा वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होगा, 2, 3, 4, 5 या कुछ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग MOC. और इसी कारण की वजह से, इसी इंक्रीजिंग MOC की वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC कॉमा द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉनकेव. हाँ, ये शेप जो पीपीसी की बनती है इसको कॉनकेव शेप बोला जाता है, और इस कॉनकेव शेप के पीछे का जो असली कारण है, असली रीजन है, वो ये है कि जो वो गिरावट थी, जो MOC था, वो बढ़ते हुए क्रम में था 2, 3, 4. अगर वो बढ़ते हुए क्रम में ना होता तो ये पीपीसी भी कॉनकेव ना बनता. अगर बाय ऐसी हाइपोथेटिकली मान रहा हूं, अगर वो गिरावट घटते हुए क्रम में होती 4, 3, 2 तो पीपीसी का शेप फिर थोड़ा थोड़ा कॉन्वेक्स होना शुरू हो जाता,
तो गिरावट के रेट के अनुसार ही पीपीसी अपनी शेप पकड़ता है। तो अगर एमओसी इंक्रीजिंग है तो क्या शेप होगी? कॉनकेव। और पीपीसी इसीलिए ज़्यादातर हमेशा कॉनकेव ही होता है, क्योंकि पीपीसी में गिरावट जो चल रही है वो कौन से रेट से चल रही है? इंक्रीजिंग रेट से चल रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टी। नहीं, पीपीसी कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि एमओसी कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होएगा, तो इसीलिए हमेशा हर जगह पीपीसी का शेप कौन सा बनाते हैं? कॉनकेव बनाते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अगर डिक्रीजिंग एमओसी है तो क्या शेप होगी, तो हम आंसर लिखेंगे कॉन्वेक्स शेप होगी। और कभी कभी तो ऐसा भी इत्तेफाक होता है कि कॉन्स्टेंट एमओसी होता है, गिरावट है दो 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 दो, तो फिर तो ना कॉन्वेक्स ना कॉनकेव, एग्जैक्टली, फिर स्ट्रेट लाइन बन जाएगा पीपीसी। पर ये दोनों पीपीसी हाइपोथेटिकल है, हमारे लिए माने नहीं जाते। हमारे लिए कौन सा पीपीसी माना जाएगा? कॉनकेव, ठीक है, क्लियर। तो एक बार शुरू से रिवाइज करते हैं सारी बातें आज जो अच्छे से पढ़ी। तो क्या क्या पढ़ा हमने? मेन सबसे पहले इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब एक सिस्टम जो हमें काम करने का अवसर देता है और पैसे कमाने का एक जरिया है, जो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। ओपन मतलब हमारा रिलेशंस है दूसरी कंट्रीज के साथ, और क्लोज में हमारा कोई रिलेशन नहीं। कैपिटलिस्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे प्राइवेट फर्म्स के पास सारी पावर है और वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सोशलिस्ट उसे बोलते हैं जो गवर्नमेंट के पास होती हैं और जिसमें सोशल वेलफेयर उनका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ये तो था बेसिक। फिर हम मुद्दे पर आए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। तो क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के तीन कारण क्या क्या होते हैं? नंबर वन, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। नंबर टू, लिमिटेड रिसोर्सेज। और नंबर थ्री, रिसोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस। इसका मीनिंग समझ गए, कोई रटने की जरूरत नहीं है। फिर हमने ये पढ़ा कि हर इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो तो अब आपको बिल्कुल याद रहेंगी, भूलोगे भी नहीं। तो जैसे घर में मम्मी को तीन प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, फिर उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस। उसी तरह इकोनॉमी में भी व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कौन से गुड्स बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कौन सी टेक्निक लगाएं, फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाएं, रिच या पुअर, और अकॉर्डिंगली इनके डिसीजन मेकिंग। तीनों क्लियर। फिर हमने ये पढ़ा, हाँ ये वाला, कि जैसे अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो वो कंज्यूमर गुड्स हैं, अगर हम मशीन्स की बात करें तो वो कैपिटल गुड्स हैं, अगर हम गन्स की बात करें तो वो डिफेंस गुड्स हैं। तो इकोनॉमी को भी ये सोचना पड़ता है, पता चले इकोनॉमी में सिर्फ हम बंदूकें ही बनाए जा रहे हैं, ना तो मशीनें बन रही ना कपड़े बन रहे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी तरह इकोनॉमी को भी अलग अलग तरह के गुड्स में डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा गुड बनाए ज़्यादा या कम या कितना। तो वो इकोनॉमी डिसाइड करती है, जैसे वहाँ पे मदर ने डिसाइड करा था। जैसे हम देखते हैं कि भाई कितने लोगों को कपड़ों की आवश्यकता है तो उतने हम कंज्यूमर गुड बनाएंगे, कितने लोगों को मशीनों की आवश्यकता है तो हम उतने हम कैपिटल गुड बनाएंगे, अपनी सुरक्षा के लिए कितनी बंदूकें चाहिए उस हिसाब से हम डिफेंस गुड्स बनाएंगे। तो बस हम उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर देते हैं। हाँ, तीनों पॉइंट्स को एक साथ देख के बनाएंगे। तो मान लो अल्टीमेटली हमने ऐसा सेलेक्ट कर लिया कि हम चार ये बनाएंगे, दो ये बनाएंगे और पाँच ये बनाएंगे, तो इससे हमारे देश के सभी लोग मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो हम इस तरह का कॉम्बिनेशन फिर चूज कर लेते हैं। और हाउ टू प्रोड्यूस में डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि कौन सी टेक्निक कॉस्ट एफिशिएंट है, ठीक है ना, कौन सी टेक्निक चीप है जिसमें कम खर्चा आए। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या डिसीजन मेकिंग देखते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर रिच का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उन्हें ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, अगर पुअर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उन्हें आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रीब्यूशन। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक जो आपने सीखा कि अगर इकोनॉमी सिर्फ दो गुड्स बनाए और उन दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को हम ग्राफ पर प्लॉट कर दें तो क्या कर्व बन जाएगा? पीपीसी कर्व बन जाएगा। पीपीसी में अगर बिंदी ऑन द पीपीसी है तो फुल यूटिलाइजेशन, इनसाइड द पीपीसी है तो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन, और अगर बाहर है तो अनअटेनेबल। और क्योंकि कॉम्बिनेशंस में ये गिरावट जो है जिसको एमओसी बोलते हैं,
वो इंक्रीजिंग क्रम में है तो इसीलिए शेप क्या होती है, कॉनकेव होती है। अगर ये डिक्रीजिंग क्रम में होती तो कॉन्वेक्स हो जाती है। क्लियर होगी सारी बात, कोई दिक्कत डाउट तो नहीं? चलो।